अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीज फातिमा और मैं हूँ सादिया राजपूत। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। और आज आप आपको दिखा रहे हैं अपना प्यारा सा किचन जो कि है रेड और वाइट कलर में। हाँ, और आज जो है वो हम कुकिंग करने लगे हैं और हम आपको बताएंगे कि हम क्या चीज़ कुकिंग कर रहे हैं। ये आप लोग हमारा किचन देख लें, स्टाइल भी आप देख सकते हैं और आप थोड़ा सा नोट कर लें कि किस तरह की आजकल न्यू किचन वगैरह चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक मेरी बॉटल भी पड़ी हुई है जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ। और ये बॉटल हमेशा मैं किसी जगह पे भूल आती हूँ और नाम किसी और जगह का ले लेती हूँ। और ये जो है वो इसके कैबिनेट्स हैं, बाकियों में कुछ हम लोगों ने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। ये जो तीन हैं इनमें हम लोगों ने चम्मच वगैरह और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं और वहाँ पर हम लोगों ने जितने भी मसाले वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं। और आज हम लोग बनाने लगे हैं, वैसे आप लोग तो देख ही चुके होंगे कि हम लोगों ने रसमलाई का पैकेट रखा हुआ है। तो आज हम लोग जो चीज़ बनाएंगे वो है रसमलाई। ठीक है, तो आप बताएं अरीज, आपको रसमलाई बनाने आती है? हाँ यार, कुछ ना कुछ आती है। ज़्यादा आपको ही आती है, आप बहुत अच्छी बना लेती है। हाँ, मुझे बनाने तो आती है, लेकिन देखते हैं कि आज हम लोग कैसे बनाएंगे रसमलाई और क्या रसमलाई ठीक बनेगी या नहीं। तो आप लोग ये वीडियो देख के ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम लोग बहुत परफेक्ट हैं और परफेक्ट रसमलाई बनेगी, क्या पता उसका एंड कुछ और ही निकल आए। हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जब हम दोनों अकेले में रसमलाई बनाती हैं तो अच्छी बनती है, जैसे ही कोई गेस्ट आते हैं तो हमारी रसमलाई जो है वो गेस्ट के सामने तो रख दी जाती है, पर वो रखने के काबिल नहीं होती। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आज की हमारी जो है रसमलाई वो अच्छी बने। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो आपको रीच बताएंगी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो हैं आपके पास शुगर, ठीक है, और एक एग, रसमलाई का डब्बा yes. और ये आपके पास मिल्क। बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन बनाने के बाद पता नहीं कैसे बनेगी। और इसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए होता है ऑयल, या आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूध को बॉयल करेंगे, ठीक है। दूध जो आपको चाहिए, एक मिनट में मैं अभी आपको बताती हूँ कितना दूध चाहिए। दूध आपको चाहिए 1 लीटर, अंडा आपने 1 डालना होता है और ये लजीज़ा रसमलाई का पैकेट आपने डालना होता है। चीनी जो है वो आपने 1/2 से 1 कप के आस पे जायका आपने डालनी है और इसके साथ साथ आपने डालना है कुकिंग ऑयल, ये घी 4 से 5 चम्मच। साथ दिखाती रहूँगी कि अभी मैं क्या कर रही हूँ और क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ, सो स्टे इन टच विद अस। और अब ये देखें, हम लोगों ने चूल्हा ऑन कर दिया है, ठीक है, और अब हम अपने काम जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। और ये हमने दूध रख दिया बॉयल होने के लिए और ये अब बॉयल होगा। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ी देर के बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी, ठीक है, शुगर ऐड करूँगी जो कि है 1 कप या 1/2 कप, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और ये आप लोग जायके के लिए इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसमें ना 2-3 इलायची भी डाल दूँगी। और ये आपको इलायची नज़र आ रही होंगी, मैंने तो 3 ऐड कर दी हैं। बहुत ज़्यादा खुशबू बहुत मज़े की होती है। अच्छा, अल्लाह करे अच्छी बन जाए, बस दुआ करना। और अब अरीज जो है वो मेरे साथ हेल्प करी है और ये देखें अरीज क्या कर रही है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। वो ये कर रही हैं और इसी में, क्योंकि यहाँ पे ये जो एग है इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। ये अब जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसके भी कुछ टेबल स्पून्स ऐड करेंगे, तो हम आपको साथ दिखाते जाएंगे। और ये है हमारा रसमलाई का पैकेट जो हम डालेंगे और फ़ौरन से मज़े की रसमलाई बन जाएगी। और ये मैंने आप पैकेट से सारा ये जो मिक्सचर है ये निकाल के रख दिया है। अब इसमें हम लोग मैं बताती हूँ कितने टेबलस्पून ऐड करेंगे, मैं भूल गई हूँ। अच्छा, इसमें हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ से तो यहाँ पे 4 से 5 चाय के चम्मच होते हैं, तो मैं सिर्फ 4 ही ऐड करूँगी ऑयल के, ठीक है। और ये इसमें गया 1st स्पून, ये 2nd, ये 3rd और अब गया है 4th, थोड़ा सा और, बिल्कुल हल्का सा और, बस, थैंक यू। देख सकते हैं कि हमने इसमें 4 टेबलस्पून ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जैसे आटा गूंद लेते हैं ना वैसा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो ये मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, चम्मच की मदद से हमने ये जो भी ऑयल वगैरह डाला है सबको मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग जो है वो ज़रूरी नहीं आप हाथ से करें, क्योंकि हाथ में करनी पड़ेगी लेकिन वो बाद में करेंगे, अभी हमने बस हल्का सा, क्योंकि ये सही तो आटे की फॉर्म में तो नहीं आएगा, बस हल्का सा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये कर लिया, कैसे लग रहा है जी आपको ये मिक्स करते हुए? बहुत मज़े का लग रहा है और खुशबू जो आ रही है ना इसकी,
अब इलायची की खुशबू आ रही होगी इसके अंदर से, बहुत मज़े की आ रही इसके अंदर से भी आ रही है। ठीक है जी, तो अरीश तो भरपूर इन्जॉय कर रही है ये बनाते हुए, आप लोग भी क्या देख के इन्जॉय कर रहे हैं या नहीं बताइएगा। अब हमने 5 टेबल स्पून एग ऐड करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 बस। और ये देखें ये सारा दूध ऊपर आना शुरू हो गया है। और आप लोगों ने एक काम करना है, पहले चेक कर लीजिएगा कि थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा जो दूध बॉयल हो के इसमें क्या चीनी जो है वो पूरी है या नहीं। अगर कम है तो और डाल दें, और अगर ज़्यादा है तो फिर चुप करके बैठ जाएं और बता दें किसी और ने रसमलाई बनाई है, आपने नहीं बनाई। और ये फॉर्म इख्तियार कर लेगा आटा। अब आपने इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है और फ़ौरन से डालते रहना है। अब मैं वीडियो क्लोज़ कर रही हूँ, ऐसे ना वो वीडियो बनाती ना और मेरी रसमलाई ख़राब हो जाए सारी। सो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। और ये हम लोगों ने गोल गोल गोलियां से बना ली हैं, अब हम फ़ौरन से इसको ऐड करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाए तो रसमलाई ख़राब हो जाती है। बाय बाय, ये रख दो यहाँ। हाँ बस ये इतनी हो गई हैं। और ये हमने इसमें सारी गोलियां ऐड कर दी हैं, अब थोड़ी देर के बाद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगी और रसमलाई बन जाएगी। अब आप सबने एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब आप किचन यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने चीज़ें जो हैं वो साथ साथ समेट लीजिएगा, मतलब ज़्यादा कचरा नहीं करना है। ठीक है, जो भी चीज़ें हो ना वो साथ साथ समेट के रख लेनी है ताकि कचरा ना हो, फिर बेइज्जती भी होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने फ़ौरन से चीज़ों को समेटना शुरू कर देना है। हमने समेट ली हैं सारी चीज़ें और बाय बाय एक मिनट रुकी। और अगर आप ये देखें तो ये जो गोलियां गोल गोल बनाई थी ये ऊपर आ गई हैं, लेकिन अभी आपको ज़्यादा सही दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। ओके ओके साथी, अभी बन तो रही है पर अल्लाह खैर ही करेगी कैसी बनेगी। लग तो रहा है कि सही बन जाएगी आज। हाँ, फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुमने बनाई है तो अच्छी बनेगी, अल्लाह करे सही बन जाए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि फाइनल इसका टच कैसा होगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब जब ये बन जाए तो आप इसको किसी भी कांच के बर्तन में निकाल लें, ठीक है, और उसके ऊपर आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप पीस लें और वो आप ऊपर डाल दें और फिर मेहमानों के सामने ठंडा करके उसको मेहमानों के सामने आप लोग रखेगा और वो सारी खा जाएंगे फिर, क्योंकि बहुत मज़े की होगी। अगर अच्छी बनी हुई तब खाएंगे। वैसे एक बात है कि सादिया का थोड़ा मसला है कि घर में अगर अकेले बना रही है, फैमिली के लिए बना रही है तो फिर तो बहुत सुपर बनाएगी, और पता नहीं इसकी मेहमानों के साथ क्या दुश्मनी है कि जब मेहमान आते हैं तो इसकी हमेशा टूट जाती हैं। हाँ ये पता नहीं क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है, पर कंफ्यूज होता है। हाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ इस वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन आज देखते हैं क्योंकि आज तो हम दोनों अकेले हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बनाने हमारा जो आधी अटेंशन थी वो वीडियो बनाने में थी और आधी हमने रसमलाई को दी है, तो अल्लाह करे वो आधी अटेंशन जो है वो हमारी सक्सेसफुल हो। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे अच्छी बन जाए और खाने के काबिल हो। और अरीज आप ये देखें कि कैसी बनी है, जबरदस्त बनी है। अभी धुआं निकल रहा है, अभी हम लोगों ने तो इसको बहुत शदीद भूख लग गई है और मैंने खाऊंगी तो आप लोग भी मेरे साथ आ जाइएगा खाने के लिए। ठीक है जी, बस उड़ के पहुँचते हैं, ये फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएगा, इमेजिनेशन में आप ये लोग खा लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है मुश्किल भी नहीं है सादिया, घर में बंदा बना ले। हाँ ये है कि बाहर मार्केट से तो बहुत महंगी मिलती हैं, आप घर में इजीली बना सकते हैं और बहुत मज़े की बन चुकी हैं। अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडी हो जाएंगी, फिर आप लोग खाइएगा और ड्राई फ्रूट ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा तो वो देखने में बहुत अच्छी हो जाएगी। सो होप सो आप लोगों ने हमारी वीडियो को इन्जॉय किया होगा। ओके तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक कॉमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और इसको आप बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और रेसिपी आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। और अगर गलत हो गई तो बता दीजिएगा, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। वो सलूशन मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा अगर आपने बनाई और आपसे गलत हो गई, और अगर अच्छी बनी तो मेरे लिए TCS कर दीजिएगा, मैं और अरीज दोनों मिलकर खा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमने रेसिपी बताई है तो हम लोग टेस्ट करेंगे ना पहले ये कैसी बनी है। यस, सो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और रसमलाई खाएं। जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वो दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। तो अगर बारे में बता रही है आप लोगों को, अगर आपको दूध नहीं पसंद तो आप इस तरह से दूध से बनी हुई कोई चीज़ खा लें, क्योंकि दूध आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दांत जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, कैल्शियम मिलता है इससे। हाँ कैल्शियम मिलता है और दांत टूटेंगे नहीं आपके। ठीक है, तो और बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर दूध नहीं पीते तो आप लोग रसमलाई बना के खाएं। ओके अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।